brothers, my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike. Now I gotta roll with ice. Cold, these brothers, my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep boys by my side, CJ Ike. Now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Cold, these brothers, my guys. Know that they fly, know that they ride or die. I keep. फंसी हुई है अपनी 48. Finally the day comes here. तो आज है दिवाली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. और आज हम लोग हैं दिवाली नाइट राइड पर, और एज यू कैन सी ऑल ओवर हेयर यहाँ पे सीन है शानदार वाला. तो अभी क्लब रोरिंग हॉक्स निकला है राइड पर, और ये रास्ता जाता है सीधे जल महल के लिए. तो अभी चलते हैं हम लोग जल महल विज़िट पे, उसके बाद वापस मारेंगे वहाँ से यू टर्न. तो ये छोटे छोटे गलियारे हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, ये पटाखा शॉप है जो अभी रात के लगभग 1 बजे खुली पड़ी है. तो यही है जयपुर की विविधता, यही है जयपुर की खूबसूरती. आज वैसे हमारा राइड का मूड था नहीं, बट हम लोगों ने सोचा कि आज एक मोटो व्लॉग तैयार करते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं जयपुर. तो जयपुर हमेशा बहुत खूबसूरत रहा है, जैसा आप लोगों को पता है, और यहाँ की दिवाली हमेशा रही है वर्ल्ड फेमस. तो इवन यू कैन सी ओवर देयर वहाँ पेट्रोल पंप भी चालू है जो कि सजा हुआ है. यहाँ है हमारे सुशांत भाई जो कि चला रहे हैं आयरन एटेड 3. ये है जयपुर का एंट्री गेट. मेरे लिए हमेशा रात में राइड करना एक अलग रोमांच रहा है, और मैंने हमेशा एंजॉय किया है रात को राइडिंग करना. तो ये देखिए आप, ये एक्चुअली जयपुर से थोड़ा सा आउट हो गया. अपन वॉल सिटी पीछे छोड़ आए हैं और अपन वॉल सिटी से आ गए हैं बाहर. फॉग लैम्प. और ये हमेशा रहा है, लोग देखते नहीं है, छोटे छोटे कट में गाड़ी लगा के खड़े हो जाते हैं. छोटी छोटी दुकानें भी अगर आप देखेंगे दिवाली पे तो आपको ऐसे सजी हुई मिलेगी. तो रात के लगभग 1 बज गए हैं और हमने डिसाइड किया था कि ये जो राइड होगी ये होगी नाइट राइड, और लगभग 12 बजे बाद होगी. तो 12 कब के बज चुके हैं, 1 बज रहा है अभी. और लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे नाहरगढ़ राइड पे, तो ये अपन ने चौकी क्रॉस कर ली है जयपुर की. तो अभी अपन चल रहे हैं जल महल तक, और जल महल से मारेंगे अपन यू टर्न. लोग रात को भी 1:30 बजे तफरी काट रहे हैं जैसे हम लोग काट रहे हैं. देखिए सबको शौक है अपने शहर में घूमने का, और सबको हक भी है अपने शहर को ढंग से घूमने का. Let's go. Yeah, I got the juice. Yeah, I got. तो हम लोग आ गए हैं हार्ट ऑफ द सिटी जल महल पैलेस और यहाँ पे करेंगे थोड़ी बकचोदी लाइफ, उसके बाद चलेंगे वापस वॉल सिटी। तो यहाँ लगा देते हैं अपनी बाइक्स, इसके बाद करते हैं अपन बातचीत ऑफिशियल। Let's go. Yeah, I got the juice. Yeah, I got the juice. Big game cool, make them look like cool. Always play cool, that's the biggest rule. Forget what they doing, keep on doing so. फ़ोटो शूट हो गया रात का, वीडियो शूट हो गया और अब भूख लगी है क्योंकि रात के लगभग 1:30 बज चुके हैं, 1:30 से भी ज़्यादा टाइम हो गया एक्चुअली। तो अब देख रहे हैं कौन सी जगह जाएं और क्या खाएं। तो जय भाई मेरा हेलमेट पहन के चल रहे हैं आगे। तो बातचीत का दौर यहाँ से चालू रखते हैं और जैसा आप लोगों को पता है विंटर्स आ चुके हैं, सर्दियां पड़नी चालू हो गई है। तो मैंने आज अपना पुराना वाला गियर निकाला जो कि विंटर के लिए है। तो बेसिकली इट्स अ विंटर जैकेट और मैं उसी में राइड कर रहा हूँ। ये रॉयल इनफील्ड का है और मैंने जब लास्ट टाइम विंटर में एक्सट्रीम विंटर राइड करी थी, अरे बस 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 बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। तो जब एक्सट्रीम विंटर राइड करी थी तब उसका भी मज़ा मैंने इसमें ही लूटा था। तो ये जो सामने बंदा आप देख रहे हो पिराक पे जो बार बार खड़ा हो रहा है, ये है अजय भाई। और अजय भाई बेसिकली इंस्टाग्राम रील्स बहुत अच्छी बनाते हैं। तो हमारे ग्रुप के अभी ये रील्स बनाने वाले प्रमुख बंदे हैं। सुहानी रात में, वो भी दिवाली वाली रात में, जब आपको घूमने को मिल जाए तो इससे बढ़िया चीज़ आपको क्या चाहिए। तो अभी इन्होंने वन वे कर रखा है दिवाली की वजह से और ये वन वे लगा रहेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उठाई गिरापंती करते हैं हमेशा। तो ऐसे लोगों से बचाव के लिए इन्होंने इसको कर दिया है वन वे और वन वे अपन छोड़ दिया है पीछे। अब अपन चल रहे हैं वापस से वॉल सिटी की तरफ। तो जब मुझे खाली रोड मिलती है और जब अंधेरा मिलता है तो मेरे अंदर का शैतान जाग जाता है और वो राइड करने के लिए बेताब हो जाता है। तो अभी अपन चल रहे हैं अपनी 48 पे, रात का टाइम है और कोई ग्लिच नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है और अपन अपनी हाले को दौड़ा रहे हैं अच्छे से। तो देखिए अपनी जगह राइड करने का मज़ा क्या होता है कि आपको हर जगह की पहचान होती है। जैसे मुझे है, मैं इस रास्ते पे लगभग महीने में 3-4 बार आता रहता हूँ। तो मुझे पता है कि कहाँ कौन सा गड्ढा आना है, कहाँ कौन सा ग्लिच है। जहाँ से अपन ने ब्लॉग की शुरुआत करी थी वहीं से अपन दोबारा एंट्री लेते हुए रात के 2 बजे हम राइड कर रहे हैं। भाई साहब प्रो लेवल है ये राइडिंग का, प्रो लेवल जिसमें आपको मिलेंगे फुल मज़े। हाय 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 ये गड्ढे, चलिए भाई चलिए। देखिए ये है वॉल सिटी, जहाँ आपको देखने से लगेगा ही नहीं ये भी रात हो रही है, अभी भी लोग घूम रहे हैं, तफरी काट रहे हैं और हम भी अपनी तफरी काट ही रहे हैं जनाब। तो ये जो अपन ने टर्न लिया है ये जाता है हवा महल की तरफ। केसरिया बाला माउनी पधारो मारे देश। तो ये जो आपने देखा ये एंट्री गेट था सिटी पैलेस का, और अब जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा नेक्स्ट आपको हवा महल। तो ये हमारे सामने रहा हवा महल, यहाँ हम लोग बहुत बार आते हैं और जो जयपुराइट है उनको पता है हवा महल फेमस क्यों है। तो ये देख सकते हैं आप हवा महल, और यहाँ पे भी भाई साहब पटाखे के लिए ऐसी भीड़ लगी हुई कि फ्री में बट रहे हो यार, अपने को फ्री का माल हजम नहीं होता। और यहाँ से चलो भैया, ये रात का टाइम है बाबू लोग, ये रात के 2 बजे का टाइम है। तो अति उत्साह में गाड़ी ना चलाएं। तो ये है जयपुर का सबसे महंगा और सबसे करोड़पतियों का रोड, जिसे कहते हैं जौहरी बाज़ार, जावेरी बाज़ार ऑफ जयपुर। और आप देखेंगे बिल्कुल सिमिलर सा देखने को मिलेगा आपको, ये सिमिलर सा रहता है हमेशा। और रात को भी यहाँ पे लोग अपनी अपनी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं रोशनियों का। तो ये है, देखिए ये है जौहरी बाज़ार, और ये आ रहे हैं हमारे बाबूजी पीछे से, ये गए R15 पे। वॉल सिटी से बाहर आ चुके हैं, खैर ये भी पार्ट वॉल सिटी में आता है, बट यहाँ पे रोड्स आपको अच्छी मिलेंगी, खाली मिलेगी। तो अभी देखते हैं हम लोगों को पेट भरने का साधन कहाँ मिलने वाला है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। यहाँ पे शायद धचकों के कारण, और देखते हैं कहाँ चला जाता है। चलिए क्रेडिट हमारे अजय भैया को जो सामने से चमक रहे हैं ग्लो शाइन बोर्ड की तरह। तो अजय भैया थैंक यू। तो ये है हमारा गुलाबी नगरी का गुलाबी वाला व्लॉग। चलें क्या? वो राइट कहाँ घूम गए थे? तो जैसा आप लोगों को पता है अभी चल रहा है फेस्टिवल टाइम और क्लब रोरिंग हॉक्स अगेन ऑन रोड। तो कल भी हमने राइड करी थी 4 बजे तक और आज मॉर्निंग में फिर हम लोग असेंबल्ड हैं राइड करने के लिए। और आज एक अनऑफिशियल राइड है, बेसिकली संडेज को हमारी ऑफिशियल राइड होती है बट आज फिर से हम लोग राइड करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको कि कौन कौन सी बाइक्स और कौन कौन से बाइकर्स हमारे साथ में हैं। तो यहाँ है हमारे साथ में पेवम द मैराकी पन्ना भाई, मुझे सब्सक्राइब कर लो, इनको सब्सक्राइब करें। जिमी सर आपको दिखे जाएंगे ब्लॉग में, वो सीधे वहीं मिलूंगा जिनको आप जानते हैं, सीधे वहीं मिलूंगा। तो मैंने बताया आपका नाम, सीधे वहीं मिलूंगा। ये सुमित भाई, इनको आप जानते ही हो, बाबा को, पुनीत भाई और बाकी से आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ये अनऑफिशियल राइड है और अनऑफिशियल राइड को आज हम लोग करने वाले हैं क्योंकि आज है सैटरडे। ये यहाँ की लोकेशन भी आप देख चुके हो क्योंकि कल शाम को जो अपनी राइड थी इवनिंग राइड वो अपन ने यहीं से चालू करी थी। तो निकलते हैं और रोल ऑन करते हैं, कुछ शॉट्स लेते हैं और फिर कल का ब्लॉग तैयार होगा। सो गाइज ये है सैटरडे की एडवेंचर राइड और इस एडवेंचर राइड पे हम हैं आज रेत के टीलों में जो है कल्पना नगर। तो मैं आपको दिखाऊंगा, मैं ऊपर से नीचे ले आया हूँ बाइक और यहाँ टीले में फंस गई है गाड़ी, तो आपको दिखाते हैं एक बार और फिर कोशिश करेंगे लोगों के साथ इसको वापस निकालने की। देखिए आप, बिना किसी सहारे के गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से गाड़ी खड़ी है यहाँ पे बिना किसी पार्किंग के और बिना किसी स्टैंड के। सामने फंसी हुई है अपनी 48 और मैं लगभग बहुत बुरी तरह से हाँफ चुका हूँ क्योंकि ले तो आए, अब इसको उतारना उतना ही भारी काम है जितनी कि ये बाइक भारी है। कुछ अनसीन मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि अपन ने ब्लॉग में ख़त्म किया उसके बाद मुझे रिवर्स करके बाइक को लानी पड़ी बिना स्टार्ट किए हुए, पीछे खींच के मैं बाइक को लेकर आया क्योंकि मैं बहुत ऊपर ले गया था बाइक को और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कल्पना नगर का। तो खैर फाइनली हम लोग बाइक ले आए और इस ब्लॉग को समापन करते हैं यहाँ पे ही। बहुत जल्दी मिलेंगे आप लोगों से फिर किसी और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द मैडनेस। My guys know that they fly, know that they ride or die. I keep wave on my side, CJ Ike, never go